नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। मोगा में फैले डायरिया को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय कांग्रेस महिला की जनरल सचिव परप्रीत कौर ने मोगा डीसी कुलदीप वैद को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की जल्द से जल्द मोगा में फैले डायरिया की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाए, जिससे डायरिया को रोका जा सके। आइए सुनते हैं परप्रीत कौर को। आज असी डीसी ऑफिस मेमोरेंडम देन आए हैं। पूरे मोगा के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग इकट्ठे होके साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि अज जो डायरिया के कारण मोगा के हॉस्पिटल मरीज पे हुए हैं और कूड़े करके मोगा के पूरे शहर के जो हालात हुई है वो करके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जी पोल है वो खुल चुकी है। और असी इस तो पहला सिंबोलिक मेयर साहब ने भी एक मतलब लेडीज़ का पूरा डेमोस्ट्रेशन किया और उन्होंने भी अल्टीमेटम दिता सीगा कि एक महीने के अंदर अंदर वह इतों के मोगा की जी कूड़ी और पानी और जो भी बदतर स्थिति हुई है सीवरेज की और ठीक कर, वरना असी बहुत व्डे लैवल से सड़कों के उत्तर आएंगे मोगा के लोग। और अच्छ सा एक डीसी साहब को यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मतलब जेडे 150 तो उपर पेशेंट हो चुके हैं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मोगा लिए और असी रिक्वेस्ट करना है कि जल्दी तो जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इस गल को सीरीयस लवे। मोगा में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं डायरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है डीसी कुलदीप वैद का, आइए सुनते हैं। बिल्कुल उन्होंने जी कंप्लेट है जी वो वाजिब है, हर बंदा डरता है। ईवन मैनू आप बड़ा मुश्किल लगता है कि जे कोई बंदा गंदे पानी पीने दे नाल कोई बीमारी आती है तो साड़ी मॉरल ड्यूटी भी बनती है तो जिम्मेवारी भी है एज कमिश्नर कारपोरेशन कि उन्हें असी करेक्ट करिए। डायरिया को रोकने में जितना प्रशासन की जिम्मेवारी है उतनी ही मोगा की जनता की। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं, लोगों को जागरूक करने की है। यह थी मोगा से विपिन ओकारा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।